कल तक बारिश था, आज मौसम साफ हो गया। कल बारिश थी। अच्छा चलो, दिल्ली में भी 3 दिन बारिश थी। मैं दिल्ली पहुंचा तो बारिश रुक गई, अब यहाँ आया यहाँ पर बारिश रुक गई। भुवनेश्वर से कितना दूर है कोणार्क? 60 मतलब सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, घूमना फिरना भी हो जाएगा ना? नहीं, मैं बाकी घूमा हूँ ना, मुझे खाली कोणार्क जाना है और कटक जाना है। बस कहाँ से मिलेगा? कटक से, कटक हो? नहीं, यहाँ से कटक के लिए मिल जाएगा? पानी व्यास और टाइम बस मिलेगा, ऐसे नहाने से सब मिलेगा। और कटक से फिर वहाँ से जाना पड़ेगा कोणार्क? मिल जाएगा। वही सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाऊँगा कटक, कटक से जाऊँगा फिर घूम के कोणार्क, कोणार्क बैठूँगा रात को, फिर मॉर्निंग में आऊँगा वापस यहाँ। कोणार्क बैठने के लिए ठीक है कि कटक ठीक है? क्लाउड सिटी है बोलेंगे तो थोड़ा सा शाम को और इतना जाम होगा, कहाँ से भी आप नहीं जा सकते, गली गली का रोड है। अच्छा, कोणार्क जाएंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, यहाँ से मिरन ड्राइव भी है कोणार्क की। ठीक ठीक, मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर, 2-3 फ्रेंड है, ये तो बहुत पुराना है, वो बाहर ही रहता है, अब यहाँ रहता ही नहीं है। सत्य नाम है उसका, महापात्रा।
उसका फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है। अगर वो होता तो फिर तो टेंशन ही था। सकते रोड पे अच्छे हैं। यहाँ खाना सस्ता मिलता है ना, लोग खाता है 10 रुपए में खाता है पेट भर के, तो दिन निकल जाता है। मैं तो टोटली अलग हूँ, वहाँ नहीं, वहाँ तो साइड पड़ता है। तो सब घूम के वो एयरपोर्ट से सीधा जाएंगे, सीधा से राइट लेंगे और लेफ्ट जाएंगे तो बनगर आ जाएगा। हाँ, ये तो कहीं और, ये तो कहीं और है, ये तो एयरपोर्ट का पीछे है। हैं, ये तो एयरपोर्ट का पीछे है, एयरपोर्ट के पीछे है 12 किलोमीटर हमारा। यहाँ तो ट्रेन भी नज़दीक है, ट्रेन का रास्ता स्टेशन भी नज़दीक है। रेलवे स्टेशन ये छोटा सा है, एकदम सन टाइप का है। उनके तो आपका लेफ्ट देखा है, उनके थोड़ा आगे कहाँ पे है।